हेलो मेरे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफिट पुष्पा। तो आज हम बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में। कई लोगों के मन में विचार आता है कि क्रिएटिन लेने से हमारे बाल झड़ जाते या किडनी स्टोन होता है। मैं आज आपको आज बताऊंगा इसका कारण क्रिएटिन है या कोई और। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट करना। क्रिएटिन एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। पिछले 3 महीने से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और ये देखिए आपके सामने मेरे रिजल्ट है 3 महीने के। सिर्फ मेरा फैट लॉस भी हो गया है और मसल गेन भी हो गया है। तो भाई वो फैट लॉस में क्रिएटिन बिल्कुल हेल्पफुल है। तो चलिए आपको बताओ अभी क्रिएटिन से आपका हेयर फॉल होता है या नहीं। मैंने भी स्टार्टिंग पर क्रिएटिन लिया था। स्टार्टिंग में क्रिएटिन लिया था तब मेरा थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ था और आगे जाके मुझे पता चला कि मेरा वाटर इंटेक अच्छा ना होने की वजह से ये सब हो रहा है। मैंने वाटर इंटेक बढ़ाया क्रिएटिन लेने के बाद, उस टाइम से मेरा हेयर फॉल वो पूरा क्लोज हो गया, मतलब हेयर फॉल हो ही नहीं रहा था। मेन चीज़ ये आती है कि आपको क्रिएटिन लेते टाइम बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। 3-4 लीटर पियो। 3-4 लीटर से कुछ नहीं होने वाला। आप 4 से 5 लीटर दिन में पियोगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और क्रिएटिन आपके बॉडी में आपके मसल में स्टोर होगा और आपके मसल ज़्यादा बड़े दिखने लगेंगे। और अब बात करते हैं हेयर फॉल की। मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगा, जिस जिस बंदे को पहले से ही हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो क्रिएटिन ना ले। जिस बंदे को पहले से ही हेयर फॉल का प्रॉब्लम है उसे उसको क्रिएटिन लेने से और ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। ऐसे मैंने मेरे सामने 2-3 लोग मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे उनको भी देखा है। उनका पहले से हेयर फॉल हो रहा था, उसके बाद भी उन्होंने क्रिएटिन लिया बिना जानकारी के और उसका फिर भी हेयर फॉल होने लगा। ये 1% चांसेस होते हैं किसी का हेयर फॉल होता है, किसी को किडनी स्टोन होती है। क्रिएटिन का बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्रिएटिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। पिछले 3 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसका कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक नहीं दिखा। और क्रिएटिन लेने से मेरे मसल भी ज़्यादा पम्प हो गए, ज़्यादा मसल की साइज भी बढ़ गई और फैट लॉस भी हो गया। तो क्रिएटिन आप भी ले। यही बात आपको बतानी थी, क्रिएटिन लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप सही तरीके से क्रिएटिन लोगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत अच्छी दिखने लगेगी और आपका हेयर फॉल नहीं होगा, कोई किडनी स्टोन का प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आपको क्रिएटिन को अच्छे तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए मैं अभी बताता हूँ आपको अच्छा तरीका। तो दोस्तों, साइंस का ये मानना है कि क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट में लेने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल ऑफकोर्स रिजल्ट मिलते हैं पोस्ट वर्कआउट में, लेकिन आप प्री वर्कआउट में भी लोगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। साइंस का ये मानना है कि क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट में लेने से थोड़े अच्छे रिजल्ट मिल जाए। तो बेस्ट है आप पोस्ट वर्कआउट में ही क्रिएटिन लो। मैं भी पोस्ट वर्कआउट के साथ ही क्रिएटिन मैं भी पोस्ट वर्कआउट में ही क्रिएटिन लेता हूँ। और आपको एक अभी नुस्खा बताऊँगा जिससे आपका मसल जल्दी ग्रो होगा क्रिएटिन लेने से। क्रिएटिन लेते टाइम कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट यूज़ करो। पोस्ट वर्कआउट में आप जब क्रिएटिन लेते हो तो उसके साथ थोड़े से कार्ब्स भी लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम क्रिएटिन के साथ कार्ब्स लेंगे तो सीधा हमारा इफेक्ट मसल पे पड़ेगा, हमारा मसल जल्दी ग्रो होगा। ये आप ट्राई करके देखो, 1 मंथ में आपको रिजल्ट पता चलेगा आपके अंदर ही। अब बताता हूँ मैं आपको कौन से लेने हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं, आप क्रिएटिन के साथ पोस्ट वर्कआउट में पोटेटो भी ले सकते हो। और आपको एक धासू चीज़ बताता है, वो धासू मतलब उससे ना बहुत जल्दी मतलब उससे बहुत जल्दी आपका मसल ग्रो होगा। तो वो एक ही चीज़ है, क्रिएटिन लेते टाइम आप ग्लूकोज लो। ग्लूकोज आप 3 ग्राम क्रिएटिन डाल रहे हो तो 3 ग्राम ग्लूकोज डालो, उसमें आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा उसके। विश्वास करो, मैंने भी 3 महीने से यही कर रहा हूँ, मुझे बहुत मेरे बॉडी में चेंजेस दिखे हैं। क्रिएटिन के बेनिफिट बहुत है, आप भी क्रिएटिन लेना ना भूले। अगर किसी को पहले से प्रॉब्लम है तो क्रिएटिन ना ले, यही मेरा सजेशन रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर देना।